तो आज की ब्लॉग में मैं बना रही हूँ बर्गर और फ्राइडे के दिन थोड़ी साफ सफाई और शॉपिंग तो चले ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो मैं बनाई थी थर्सडे के दिन बर्गर तो मतलब कि सुबह में निज़ार को लंच में दी थी तो जब वो लंच से वापस लेके आ गया तो मैं जिससे ब्लॉग में शेयर की थी कि बहुत ही टेस्टी था तो कीमा मैं लेकर आई थी तो कीमा को अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया मैं बोले कि चलो फिर मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए बनाती हूँ तो निज़ार बोल रहा था कि नहीं मुझे नहीं खाना है क्योंकि मेरा पेट भरा है तो मैं बोले ठीक है मैं तीन बर्गर बनाती हूँ निशास को खाना था क्योंकि निज़ार खा रहा था केक तो इसलिए उसको नहीं खाना था उसे केक ज्यादा पसंद है तो मैं इधर बर्गर बनाने के लिए मैं कीमे को बहुत अच्छी तरीके से ग्राइंड कर ली और आधा बर्गर को मैं क्या कहती धनिया पुदीना के साथ तो बर्गर को नहीं कीमे को ग्राइंड कर ली तो वो हरा हरा दिख रहा है तो उसको मैं बनाने के लिए रखी हूँ कि रात में अगर भूख लगे तो ये शाम का बज रहा था पांच तो मैं शाम का नाश्ता के लिए बर्गर बना रही थी हाँ लगा ऐसा कि पेट ज्यादा भरा तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी फिर भी मैं रेडी करके रख देती हूँ शायद रात में भूख लग जाए यही सोच के मैं वो चटपटा कबाब बनाने के लिए वो बना करके उसको मैरिनेट करके पूरा रख दूंगी तो मैं क्या के ना इस बार मतलब तो धनिया और पुदीना उसके साथ में डाइन के मतलब कुछ अलग टेस्ट ला देखती हूँ फ्राई करके खैर तो वो मैं इसको मैरिनेट करके उसको तो रख देंगी और इसमें भी सारी स्पाइसेस वही डाली जो उसमें मैं डाली हूँ तो बस उसमें एक्स्ट्रा है जे मतलब धनिया और पुदीना और हरी मिर्च अलग मतलब एक्स्ट्रा उसमें है इसमें नहीं है क्योंकि इसे मुझे हरा नहीं बनाना था तो इसलिए कि उसे हरा बनाना था कि मैं देख रही थी कैसा लुक आता है टेस्ट तो मतलब कटिंग करके डाले चाहे ग्राइंड करके डाले टेस्ट तो वही आएगा क्योंकि मैं इससे पहले तो कटिंग करके डाली थी इस बार इसको ग्राइंड कर दी तो टेस्ट तो वही था बस उसका लुक देखना चाह रही थी कि क्योंकि कबाब का लुक ग्रीन ग्रीन कलर का दिखेगा तो बहुत प्यारा लगेगा बस उसमें प्यारा लग रहा था और ये मैं बर्गर के लिए बना रही था जिसमें मैं थोड़ा थोड़ा दोनों में सत्तू डाली हूँ थोड़ा अच्छी बाइंडिंग हो जाती है ना टूटता नहीं है और बाकी सारे स्पाइसेस जैसे नॉर्मल स्पाइसेस बहुत ज्यादा नहीं गरम मसाला मैं इसमें नहीं डाली कबाब वाली जो था ना मैं जिसमें चटपटा कबाब बनेगा उसमें मैं गरम मसाला ऐड की ये बर्गर वाली की मैं जो है इसमें मैं गरम मसाला ऐड नहीं की और बाकी ऐसे नॉर्मल स्पाइसेस स्पाइसेज जीरा पाउडर ब्लैक पेपर धनिया पाउडर और चिल्ली पाउडर ये मैं इसमें ऐड किया ऑयल और सत्तू थोड़ा सा जैसे भुना हुआ चना का पाउडर भी कहते हैं तो बस मैं तीन बर्गर ही बनाऊंगी क्यों मैं सुबह में निज़ार का जो लंच का बचा हुआ था खाई भी तो मुझे बड़ा टेस्टी लगा था मैं ये बोले कि चलो शाम में मैं भी ट्राई करती हूँ तो शायद मैं ये बात आप लोग दो बार शेयर कर करके तो फ्राइडे के दिन की तो ये वीडियो नहीं है ये है थर्सडे का शाम की वीडियो है थर्सडे की हाँ शाम की वीडियो और रात में मैं बनाई थी कबाब तो हाँ रात में फाइनली हस्बैंड को लग गई थी भूख इतना बज रहा था रात का बारह बज रहा था और बच्चों का एक का स्कूल था एक का ऑनलाइन अभी फिलहाल यही चल रहा है इन लोगों का रात में बहुत ज्यादा ही भूख लग गई हालांकि रात में खाना नहीं चाहिए आठ बजे तक लास्ट टाइमिंग बहुत है मैक्सिमम हुआ था तो नौ बजे सोने से तीन घंटा पहले खाना खाकर उसको डाइजेस्ट करके ही सो, सोना चाहिए पर मुझे तो इतना भूख लग जाता ना फिर भूख से मुझे नींद ही नहीं आती है और हस्बैंड को भी भूख लग रही थी उन्हें नींद टूटा तो बोले खाना बना मैं बोली नहीं तो वो कह रहे ठीक है फिर ऑर्डर करके मंगवा ले तो मैं बोली नहीं बाहर से नहीं मंगवाए फिर मैं घर में ही बनाती हूँ तो मैं मतलब कि रखी हुई कबाब बनाने के लिए और चटपटा कबाब तो वो तो सिर्फ मुझे टमाटर और प्याज को ही फ्राई करना है बाकी कबाब को फ्राई करना तो ज्यादा नहीं पंद्रह से बीस मिनट लगेगा आप ना सिर्फ रोटी लेकर आ जाए तो यह अच्छी बात है कि रोटी वगैरह रोटी का शॉप है या कुछ भी ट्वेंटी फोर आवर ही में हम लोग जिस एरिया में रहते हैं हर चीज का शॉप खुला है रोटी का दु, रोटी दुकान एक बजे रात में बंद हो जाता है फिर भी बज रहा था बारह तीन एक घंटा टाइम था तो वो रोटी लेकर एक आए क्योंकि ज्यादा नहीं खाना था तो वो रोटी लेकर आए और सुबह का बैगन की सब्जी थी और चटपटा कबाब तो वो हम लोगों का रात का हो गया डिनर और बच्चे तो सो गए थे बच्चे नौ बजे तक सो गए थे नौ लगता साढ़े आठ बजे नौ बजे सो गए थे और फिर वही हम लोगों का खाना खाकर फिर रिलैक्स फील हुआ कि अच्छा खाना खा लिया अब फाइनली नींद आ जाएगा पर वो गलत रूल है तो क्या करें कभी कभी रूल को तोड़ना पड़ता है क्योंकि वो भी बहुत जोर से लगा तो फिर हसबैंड को भी भूख लगे थे ये मैं कर रही बर्गर की तैयारी इसमें मैं जैसे हमेशा बर्गर की सॉसेस बनती हैं जैसे मायोनीज हो गया टमाटो हो गया चिली सॉस हो गया हॉट सॉस हो गया और मस्टर्ड सॉस सारे मिक्स करके थोड़ा सा सॉल्ट तो ये मैं उसकी बना रही हूँ और इसमें मैं लगा रही हूँ यही सारे को मिक्स कर दे। अलग अलग भी कर सकते हैं साथ में भी कर सकते हैं पता नहीं क्यों मुझे चीज हो गया मायूनीस हो गया मुझे नहीं अच्छा लगता है और फिर भी मैं चलो एक अच्छा सा टेस्ट आने के लिए मैं डाल देती हूँ मैं शुरू से ही मायोनीस खाना पसंद नहीं करती मुझे उसका इतना अच्छा टेस्ट नहीं लगता हाँ ठीक है टोमेटो कैचअ तक ठीक है एक में मैं सिर्फ कुकुम्बर इसलिए लगा रही थी कि वो निशास को खाना निशास प्याज नहीं खाएगा टमाटर नहीं खाएगा इसलिए एक में चीज भी नहीं डालू वो चीज़ भी नहीं खाएगा चीज और मतलब दो में जब टमाटर और प्याज और खीरा ये मेरा और हस्बैंड का था तो इसलिए मैं एक प्लेन ही बना दूंगी क्योंकि पता नहीं शायद निजार को भी खाने का मन कर जैसे तो वो नहीं खाया था वो क्योंकि ये तो वीडियो मेरा हो चुका है तीन चार दिन का शूट किया हुआ और आज मैं एडिटिंग करके अपलोड कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा ही बिजी बिजी हो गए फिर हॉलीडे आ गया बीच में और काफी काम वगैरह भी हो जाता है तो हर चीज तो मतलब के शेयर नहीं कर सकती क्योंकि इतना बिजी होते हर सुबह कैमरा भी ऑन करके नहीं रख सकते हैं कि नहीं आप लोग भी समझ सकते हैं तो मैं दो बर्गर पे चीज़ लगाई और एक बार ना मैं चीज़ डाली और ना ही इस पे मैं कुछ भी सैलेड में सिर्फ खीरा है इतना निसाज के लिए काफ़ी है तो अब इसके बाद मैं इसको बनाने के बाद इसको थोड़ा सा आ, मेरे पास ना ओवन है ना माइक्रोवेव है क्योंकि मेरे पास ओवन था तो मैं उसको सेल कर दी क्योंकि मेरे पास जगह नहीं था उसे रखने के लिए और वो उतनी अच्छी भी क्वालिटी के लिए काफी पुराना हो गया था इसलिए मैं उसको सेल कर दूंगा जब जगह ऐसा लगेगा कि मुझे एरिया जगह रखने लायक है तो फिर मैं लूंगी जब फिर रूम चेंज करूंगी तो इसलिए मैं इसको तवा पे आ, मतलब कि इसको गर्म कर लूंगी हल्का फाइनली बर्गर रेडी हो चुका एक को मैं कट करके दिखाती हूँ कलू कर क्या आ रहा है मैं इसमें एक एक ऑमलेट भी डाली मतलब थोड़ा सा और ही होने के लिए एक एक अच्छा है ना कि मतलब कि एक सिर्फ इसमें एक कीमे का मतलब कि कबाब का टेस्ट आता इसलिए दोनों में मैं एक एक ऑमलेट फ्राई कर ली बस मिक्स करके नहीं की थी बस ऐसे तवा पर डाली और उस हल्का ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाल के इसके ऊपर रख दी तो बहुत अच्छा लगा उसमें अंडे का टेस्ट भी आ रहा था ऑमलेट का तो बहुत बहुत ज्यादा प्यारा देखे तो फाइनली फिर तो बर्गर बन चुकी है हम लोगों का शाम का नाश्ता हो गया उसके बाद फिर मैं खाना वगैरह तो बनाई नहीं थी और थर्सडे का नाइट था तो फिर बाहर गई बच्चों को लेकर वॉकिंग करने के लिए थोड़ा बाहर बच्चे लोग खोए खेले उसके बाद फिर घर पे आने के बाद खाना बनाने का बिल्कुल भी मेरा मन नहीं था तो फिर मैं बोली चलो जब भूख लगेगा तो बनेगा तो मैं पहले आप लोग से शेयर कर चुकी कि मैं रात में बहुत ज्यादा ही भूख लगी थी ये थी सुबह का देखे बैगन का बैगन की ये सब्जी है मतलब सब्जी मतलब कि क्या कहते हैं इसको पकने के बाद भी सब्जी कहते हैं पकने से पहले भी सब्जी है एक रोटी मंगवाई तो और इतना बड़ा ही रोटी होता है ना कि दो लोग आराम से मिलकर खा सकते इसमें थे। खा रहे थे और ये है फ्राइडे के दिन की सुबह का टाइम का तो निशा निजार को लंच दे रही थी गुलाब जामुन है और दो कबाब में फ्राई कर दी थी जो मैं बनाकर रखी थी पहले से चटपटा कबाब का तो वो तो प्याज टमाटर के साथ नहीं खाएगा एक पराठा बना दी थी ये इसके सुबह का लंच हो गया तो ये अर्ली मॉर्निंग साढ़े पांच बजे सुबह की वीडियो तो निशाज निज़ार को लंच पैक करके देने के बाद फिर मैं सो गई थी फिर मैं मेरा ऑनलाइन क्लास होता है मैं क्लास करती हूँ तो फ्राइडे के दिन मैं इतना मुझे गहरी नींद आ गई कि मैं सो गई क्लास भी मेरा मिस हो गया फिर मैं उठी साढ़े ग्यारह बजे साढ़े ग्यारह बजे उठी साढ़े ग्यारह नहीं दस बजे थे शायद मैं नौ बजे मेरा नौ बजे क्लास होता है तो फिर दस बजे उठी तो फिर क्योंकि तो फ्राइडे के दिन तो बस काम ही काम होता है रूम की सफाई वगैरह शुरू की फिर खाना बनाने के लिए तो सुबह में नाश्ता भी बाहर से मंगवा ली थी मैं क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि मैं घर पे नाश्ता बनाती और इसलिए फिर बाहर से नाश्ता मंगवा ली ज़्यादा कुछ भी नहीं मंगवाई थी सिंपल सा मैं चना और पराठा मंगवा लेती और उसके बाद मैं घर के कामों में लग गई जैसे बेडशीट वगैरह चेंज की और निशात नजार का बेडशीट चेंज की रूम की सफाई और यू और मतलब बहुत ज्यादा कपड़े हो जाते हैं ना तो जैसे मैं जैसे बेडशीट है ना पहले से इसमें निजार का एक टी शर्ट आइट मतलब डाला हुआ है तो जैसे बेडशीट का कलर लाइट है और फिर मतलब दूसरे कलर का कपड़ा कलर मिक्स हो जाता है इसलिए पहले मैं दो बेडशीट के एक साथ वॉश कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं जो भी कलर को बहुत ज्यादा मैं ध्यान रखती हूँ वॉशिंग मशीन में कपड़ा लगाती हूँ ऐसा नहीं कि सारे कपड़े एक साथ डाल दी इसका कलर उसमें मैच हो जाए बहुत व्हाइट कपड़ा तो बिल्कुल भी नहीं मैं वाइट कपड़ा एकदम सेपरेट ही धोती हूँ अलग एक बार जमा कर लेती हूँ ऐसा नहीं कि एक एक बार जितना भी कपड़ा है व्हाइट 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 एक बार हो गया चार पाँच तो मेरी ड्रॉवर लैपटॉप की जिसमें मेरा लैपटॉप है और निशाज का लैपटॉप है और जैसे कि मेरा देख ले माउस कितना सारा माउस है और इधर मेरा एक कैमरा गिम्बल रखा है कैमरा नहीं है गिम्बल है जो तो पिछले साल मुझे हस्बैंड गिफ्ट में दिए थे तो फिलहाल अभी गिम्बल यूज नहीं कर रही ये इधर हस्बैंड का लैपटॉप है तो वो अपने जहाँ पे वो सोते हैं वो अपने वो अपने पास में ही रखते हैं मेरा थोड़ा दूर में मैं आराम से अपने इजी पे निकाल के लाती हूँ वो अपना आराम से बेड पे बैठ के यूज करती हूँ यहाँ ज्यादा रात हो गया तो फिर बेड पे ही रख देती हूँ क्योंकि बेड के साइड में तो आराम मतलब बना हुआ है वैसा कि बेड पे रख सकते हैं उसके बाद बेडशीट वगैरह सेट कर ली लीजिए लैपटॉप वगैरह का भी हो गया काम थोड़ा सा ड्रेसिंग वगैरह की साफ सफाई और ये फाइनल हो चुकी है फ्राइडे के काम मतलब की रूम की क्लीनिंग हो चुकी है और किचन और इतना काम फ्राइडे के दिन तो लगता नहीं कि पता नहीं दुनिया जहान का कहाँ से काम आ जाता और शूज रैक भी आज मेरी सोच रही है कि पूरा उल्टा पुलटा मतलब की जितना भी सेट कर लो ना मतलब तो एक दिन तक ही रहेगा फिर दूसरा दिन मतलब उल्टा पुलटा हो जाना है मैं एक सेक्शन रखती हूँ निशाज का निज़ार का फिर मतलब के हस्बैंड का फिर मेरा फिर ये दोनों स्कूल जाते हैं तो फिर आकर बस उलझा ही देते हैं कौन सा सेक्शन में किसका है, नहीं आगे पीछे हो जाता तो फिर मैं बोला की चलो आज शूज रैक भी इसको मैं थोड़ा सरिया ली थी उसको क्या कहते हैं इसको ऑर्गेनाइज कर लेते और ये सब करने के करते करते बज गए थे पता है मेरा शाम का तो चार बज गया था क्योंकि मुझे भी शॉपिंग भी करना था तो तो खाना बनाई खाना बनाने के बाद दाल चावल मैं बनाई लेकिन इतना काम था इसलिए फिर मैं खाना में मतलब चिकन वगैरह कुछ भी नहीं बनाई बस मैं दाल चावल आलू का भुजिया हम लोग कहते हैं उसको बस सिर्फ ब्लैक पेपर और हल्दी पाउडर और नमक डाल के फ्राई करते हैं तो वो था हम लोग का डिनर मतलब के लंच फ्राइडे के दिन का उसके बाद रूम की साफ सफाई करने के बाद ये मेरा चप्पल टूट गया मैं डेढ़ साल से इसको पहन रही थी मैं पिछले साल इंडिया गई थी तब तो खरीदी थी और इतना पहनी ना फाइनली अब टूट गया तो इसको मैं फेंक दी बहुत ज्यादा यूज की ना देख के आपको इसके हालत पे तरस आ रहा होगा कितना आपने यूज कर लिया मतलब घिस गया ये चप्पल मतलब अब जाके ये टूटा उसके बाद में खाना बनाया बना कर खाने के बाद फिर बच्चों को मतलब कि सारा काम फ्राइडे के दिन हो गया शावर उवर होने के बाद फिर मैं गई शॉपिंग करने के लिए फिर गई शॉपिंग करके भी इतना सारा सामान लेकर आई तो मुझे आज ना इतना दिन के बाद कुछ चीज सस्ता मिला दिसंबर से या जनवरी से चिकन ना महंगा मतलब बहुत ज्यादा ही प्राइस था सत्रह दरम अठारह दरम किलो पंद्रह सत्रह अठारह यही चल रहा था उससे कम तो था ही भी नहीं और तो आज कितना दिन के बाद ग्यारह दरम किलो दिखा चिकन तो मैं चिकन तीन के जी चिकन लेकर आई कि बहुत दिन के बाद सस्ता दिखा है ऐसे दुबई में हर चीज महंगा हर चीज महंगा हर प्याज कहाँ एक दरम डेढ़ दरम तीन दरम अभी सात धर्म अब से चल रहा है कितना तीन महीना हो चले सात धर्म प्याज भी चल रहा है सो चल रहा है मैंग मैंगो लेकर आई हूँ उसका जूस बनाऊंगी तो ये सब थी हमारी आज की शॉपिंग फ्राइडे की शॉपिंग और भी कुछ बाकी है तो मुझे जाना है इस टो भी ये शॉपिंग करके मैं आई हूँ शाम का बजरा छ और दो तीन दिन से हस्बैंड बोल रहे कॉफी दो कॉफी दो मुझे जब भी वो, वो कहते हैं ना कि कॉफी लाओ बना कर मैं बोले कॉफी पाउडर खत्म हो गया कहते हैं ठीक है अंडा बना के कर, फ्राई करके लाओ मैं बोले अंडा खत्म हो गया वीक का लास्ट होते होते ना जैसे अंडा खत्म हो गया ये तो कॉफी तो काफी टाइम तक चलता खत्म हो गया कह रहे आज क्या बात है मैं जब भी कुछ तुमसे मांग रहा हूँ तो कभी कॉफी खत्म हो गया कभी अंडा खत्म हो गया कभी चीनी खत्म हो गया ये कह रहे हम क्या जी फ्राई मतलब की वीक का लास्ट है ना अब लाऊंगी तो फिर बनाऊंगे इसलिए फिर कॉफी पाउडर लेकर के आई हूँ सारे और ग्रोसरी आइटम आ गया तो ये थी हमारी आज की ब्लॉग तो कैसा लगा अच्छा लगा तो लाइक तो करे शेयर करे और पूरी वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया और टेक केयर अपना ख्याल रखे और बहुत ज्यादा ही ख्याल रखे फिर तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अल्लाह हाफिज